हेलो गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर सुमेद और मल्लिका के बारे में। आप जानते होंगे दोनों की जोड़ी राधा कृष्ण शो से बहुत ज़्यादा फेमस रही है। लोग सुमल्लिका नाम दे चुके हैं इस प्यारी सी जोड़ी को। एक बार फिर से देखना चाहते हैं एक नए शो के जरिए, एक नए तरीके से, एक नई स्टोरी के जरिए इस जोड़ी को। सो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये जोड़ी नज़र आएगी। फिलहाल तो इस जोड़ी को लेकर अभी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, मल्लिका के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से बातें चल रही हैं वो ये कि बहुत ही जल्द मल्लिका एक न्यू प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं, जो कि उम्मीद करी जा रही है कि वो एक डेली शो होने वाला है। जी हाँ, एक डेली शो के जरिए मल्लिका एक बार फिर से आपके बीच में एंट्री करने वाली हैं। टीवी पर्दे के जरिए एक बार फिर से वो कमबैक कर सकती हैं। सो यहाँ पर उनका कोई मैथो शो नहीं होने वाला है, एक नॉर्मल डेली शो होने वाला है, जिसको लेकर फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फैंस का ये उठता है कि उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा। सो जी हाँ, ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि फैंस के बीच में तो आएगा ही, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं सुमेध और मल्लिका को एक साथ। और ऐसे में क्या सुमेध को एक बार फिर से मल्लिका के अपोजिट कास्ट किया जाएगा, यानी कि ये दोनों की जोड़ी एक बार फिर से एक डेली शो के जरिए नज़र आएगी, जो कि एक जो अलग तरीके से अपना मुकाम बना चुकी है। वो जोड़ी एक अलग तरीके से नज़र आए एक नए फेस के साथ, तो वो कैसे होगा? एक नए कैरेक्टर में रोमांटिक कैरेक्टर होगा इन दोनों का, सो कैसा लगेगा? क्या मेकर्स इस बात रेडी होंगे या नहीं? सो जैसे आप जानते होंगे, एक जोड़ी जो अलग मुकाम बना चुकी है, अलग तरीके से फेमस है, उस जोड़ी को दोबारा से कास्ट करना एक नए चेहरे के साथ, एक नए कैरेक्टर में, सो ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर कास्ट किया जाए। जैसा कि दिशा और नकुल की जोड़ी को दोबारा से बड़े अच्छे लगते शो के अंदर कास्ट किया गया। सो होने को कुछ भी हो सकता है, मेकर्स अगर इस जोड़ी को कास्ट करना चाहें, डेफिनेटली मल्लिका के अपोजिट एक बार फिर से सुमेध नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अभी इस बात को लेकर कुछ क्लियर नहीं है। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। फिलहाल मल्लिका के जो न्यू प्रोजेक्ट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं वो सच साबित नजर आ रही हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ नया और क्रिएटिव होता है। कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।